नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जंडियाला गुरु पुलिस ने कार और ट्रक छीनने वाले एक आरोपी को किया काबू। एक पिस्तौल, 32 बोर, 3 रौंद, 32 बोर, छीना हुआ ट्रक और छीनी हुई कार की बरामद। अमृतसर पुलिस ने लखबीर सिंह लंडा ग्रुप के 2 सदस्यों को किया काबू। 1,02,000 रुपए की नकदी, 5 मोबाइल फोन और 1 एक्टिवा की बरामद। नाभा में विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने अनोखे ढंग से मनाया मजदूर दिवस। सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर और हार पहनाकर की पूजा। और अब हलचल विस्तार से। जंडियाला गुरु के इलाके से कार और ट्रक छीनने वाले आरोपी को पुलिस ने काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंधी एसएसपी देहाती अमृतसर सतेंद्रजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह कंट्रोल रूम पर अमृतसर देहाती को सूचना मिली थी कि कुछ अज्ञात व्यक्ति हथियारों की नोक पर निजरपुरा टोल प्लाजा के नजदीक से और सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल जंडियाला गुरु के नजदीक से एक ट्रक और एक कार छीन कर ले गए, जिसके बाद डीएसपी बाबा बकाला हरे कृष्ण सिंह और एसएचओ ब्यास इंस्पेक्टर यादविंदर सिंह द्वारा तुरंत हरकत में आकर पुलिस पार्टी की टीमें बनाकर नाकाबंदी की गई और ट्रक और कार बरामद कर लिए गए हैं। पकड़े गए आरोपी की पहचान हरमनदीप सिंह हैरी निवासी गांव डुगरी जिला तरनतारन के रूप में हुई। ब्यास पुलिस ने इससे एक पिस्तौल, 32 बोर, 3 रौंद, 32 बोर, छीना हुआ ट्रक और छीनी हुई कार भी बरामद कर ली है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि आरोपी ने पहले निजरपुरा टोल प्लाजा पर कार छीनी और फिर बाद में जंडियाला गुरु में फोम से लदा ट्रक हथियार के बल पर छीना। यह कार रैया के फेरुमान रोड के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है, जबकि दूसरे साथी आरोपियों की तलाश जारी है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्वनी शर्मा की रिपोर्ट। जड़िया ये गड्डिया उधर तो अपना जंडियाला साइड तो आईया, तो जी जी जंडियाला पुलिस भी पिछा उन्होंने कर रही थी, तो असं अगे नाके लाए हुए थे। जो ये गड्डिया रैये के कोल पहुंचिया, जी गड्डी सी जी क्रूज सी रैये के कोल पहुंची, तो जोड़ा ड्राइवर चालक से उन्हें बहुत रैश ड्राइविंग करते हुए गड्डी पुलिस से चाढ़न की कोशिश की, उसने बैरीगेट भी तोड़ दते ते अगे गड्डी भजा के लै गया, जिसनों असी चेस करद पिछे पिछा किया। अगे फिर अपने इंस्पैक्टर जादविंदर उन्होंने पार्टी ने नाका लाया हुआ सी, जो कि उस नाके ते उन्हां नूं फिर रोकया गया, जिस ते उसकी गड्डी बहुत तेज होने करके फिर उन्होंने साडे मुलाजमां ते गड्डी चढ़ाने की कोशिश की है, जिस जिस नाल उसकी गड्डी पट गई, जिस ते असी जिहड़े एक दोषी आ उन्हां दे विचों हरमनजीत सिंह नूं असी गिरफ्तार। अमृतसर पुलिस ने लखबीर सिंह लंडा ग्रुप के 2 सदस्य को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी अभिमन्यु राणा ने बताया कि शिकायतकर्ता हरमिंदर सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 22 अप्रैल को रात लगभग 9 बजे वह अपने घर में था कि अचानक गली में गोली चलने की आवाज सुनी। जब उसने गली में जाकर चेक किया तो पता चला कि मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवानों द्वारा उसकी कार पर गोलियां चलाई गई हैं, जिसके बाद मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके चलते सीआईए स्टाफ अमृतसर की पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों जोबनजीत सिंह उर्फ जोबन और जोगिंदर सिंह उर्फ रिंकू को काबू किया है, जिनके पास से 1,02,000 रुपए की नकदी, 5 मोबाइल फोन और 1 एक्टिवा भी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। उस तो बाद मदई हरमिंदर सिंह उर्फ किशन ये घर के बाहर यदि गड्डी खलोती सी, रात को कुछ 3 अनपछाते व्यक्तियों ने आके फायरिंग की गड्डी ते, इस तो बाद 75 नंबर मुकदमा थाने छियाटे रजिस्टर हो गया सीगा। कमिश्नर ऑफ पुलिस अमृतसर नोनियाल सिंह के दिशा निर्देश अनुसार वक् वक् टीमों का गठन किया गया, तो इसी तफ्तीश के दरमियान कल अमृतसर पुलिस को उस वेले एक वड्डी कामयाबी मिली, जदों सीआईए की टीम ने इस तफ्तीश दौरान जोबनजीत सिंह उर्फ जोमत जोबन, जिहड़ा कि पिंड कोलोवाल नूं बिलोंग करता है, उन्हें अरैसट किया। तो जोबन ने सानू ये दसिया कि उन्हें ही ये फायरिंग इंसीडेंट अंजाम दिता सीगा,
उहदे नाल दो अणपछाते व्यक्ति होर आए सीगे ते उन्हें ये जिहड़ा वारदात कीती है ये जोगिंदर सिंह उर्फ रिंकू अते एक रवि गिल नाम का बंदा है जिहड़ा कि इस वेले यूरोप की किसी कंट्री दे विच रह रहा वा। इन दोनों ने कहन ते दो अणपछाते व्यक्ति नूं लै के इन्हें फायरिंग इंसीडेंट किया है। जिहड़ा कि जोगिंदर सिंह उर्फ रिंकू है ये जिहड़ा मदई है हरमिंदर सिंह उर्फ किशन इहदा कज़न चाचा लगता है ते इन्हां दी पुरानी रंजिश होण करके इन्हां ने यह फायरिंग इंसीडेंट करवाया सी। 1 मई मजदूर दिवस के तौर पर मनाई जाती है। मजदूरों को सम्मानित करने के साथ साथ ये दिवस मजदूरों के हकों के लिए आवाज बुलंद करने के मकसद के साथ मनाया जाता है ताकि समाज में मजदूरों का स्थान मजबूत हो सके। नाभा से विधायक गुरुदेव सिंह देवमान की ओर से मजदूर दिवस के अवसर पर नाभा नगर काउंसिल के सफाई कर्मचारियों को एक अलग ढंग से सम्मानित किया गया। देवमान की ओर से सबसे पहले मजदूरों के पैर धोए गए और फिर उन्हें हार पहनाकर उनकी पूजा की गई और मुंह मीठा करवाया गया, जिसके बाद उन्होंने मजदूर दिवस पर मजदूरों के साथ केक भी काटा। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। बिल्कुल जी, मजदूर बेसिकली असली देश है जी। पूरी दुनिया के विच अगर कोई सच्चाई है तो मजदूर है जिहड़ा अपनी सख्त मेहनत नाल पूरे देश नू पूरी दुनिया नू चलाउंदा है जी। और अज मजदूर दिवस है, लेबर डे है, पूरी दुनिया भर के लेबर डे मनाया जा रहा। अज नाभा शहर के भी पटियाला गेट जिन्ने मजदूर ने साडे जिहड़े सफाई सेवक ने जिहड़े शहर नू साफ रखदे आ, असीं तां बेसिकली गंद पाउंदे आ जी। असली सफाई करने वाला जिहड़ा सेवक है ते ओदी वड्डी सेवा है जी। ते उन्हां नूं इत्थे सब नूं मूँह मिठा कराया गया, गला च हार पाए, इन्हां दे पैर धोते गए ने क्योंकि पूजण योग ने जी। जे असीं अपने देश नूं अगे वधाउणा चाहुंदे आ तां सानूं जिहड़ा लेबर करन वाला मजदूर है उहदी सानूं कदर करनी पैणी है, उहनूं सानूं मजबूत करना पैणा, उहनूं तंदरुस्त करना पैणा। जे लेबर तंदरुस्त है ना जी तां मैं समझदा देश तंदरुस्त है जी। सो अज लेबर डे ते बहुत बहुत मुबारकां सारयां नूं। अमृतसर के एयरपोर्ट रोड पर स्थित क्लब हाउस नाम की एक जगह पर पंजाब से बाहर वाली शराब बेची जा रही थी। ये आरोप लगाते हुए ग्राहक बलविंदर सिंह ने बताया कि वह गत रात्रि इस क्लब में पार्टी करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ब्लैक लेबल शराब 18,000 की है, उसे 30,000 रुपए में बेचा जा रहा है। इसके अलावा कई और ब्रांड भी दोगुने दामों पर बेचे जा रहे थे। उन्होंने बताया कि पार्टी के बाद उन्हें शराब के दामों की सच्चाई पता लगी और GST में भी टैक्स बढ़ाकर लगाया गया था। इस सारे घटनाक्रम के बारे में जब बलविंदर सिंह ने अपने एक दोस्त जिसका अमृतसर में शराब की ठेकेदारी का काम है उसे बताया तो पता चला कि जिस शराब के ब्रांड उनकी ओर से परोसे जा रहे हैं वह पंजाब के नहीं है और इन्हें पंजाब में परोसा नहीं जा सकता, जिसके बाद इसकी सूचना एक्साइज विभाग को दी गई। इस दौरान एक्साइज विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मामला देखो जी, कल सैटरडे नाइट असी क्लब हाउस पार्टी करने आए थे ते राती ड्रिंक्स वगैरह लईयां ते इन्होंने रेट बहुत सानू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाए कि उस तों बाद मेरे फ्रेंड है इत्थे ठेकेदार सुखी जी, असीं इन्हां नाल गल कीती कि आ रेट इन्होंने लाए आ ब्लू लेबल, गोल्ड लेबल ते मोंकी शोल्डर दे, मतलब जिहड़ी 18,000 की बोतल इन्होंने 30,000 की लाई, 4,000 वाली सानू 8,000 की लाई तो इनफे मोरओवर जिहड़ा वैट आ 22% लाया जिहड़ा गवर्नमेंट वालों 14% आ। तो दूजी गल ये आ कि जिहड़ी आपां बॉटल दी इन्हां नूं डिमांड करदे सीगे उह 10-15 मिनट उहनूं वेट करके लिआउंदे सीगे। उह मैं इन्हां नूं पुछिआ सवेरे क्यों करदे सीगे, फिर ठेकेदार ने दस्सिआ कि इहदे लेबल ऑल ओवर पंजाब पास ही नहीं हैगे कि मतलब ये सर्व कर ही नहीं सकते। इन्हां ने पता नहीं किहड़े ढंग नाल सानूं दित्तियां किहड़े ढंग नाल नहीं दित्तियां, वह मैनूं नहीं पता। अपील यही है कि इहदी इनकुआरी की जाए तो वेख्या जाए कि कित्थों बॉटल आईयां, किदां सर्व कीतियां, पंजाब सरकार नूं लॉस आ, ठेकेदारां नूं लॉस आ जां किवें आ, इहदी प्लीज़ इनकुआरी की जाए। होर साडी कोई डिमांड नहीं। वेखो गल यही आ जी, लोगों नूं जागरूक लोग घट आ हुण, जिदां सानूं भी नहीं सीगा पता ते असीं ठेकेदार चलो मेरे नोन च आ, इन्हां नूं मैं पुछिआ ते इन्हां नूं दस्सिआ कि जाणू करवाया कि जिहड़े ब्रांड आ अवेलेबल ही नहीं हैगे। लोग आते जी अपना फंक्शन करके चले जाते, लोगों को पता ही नहीं है कि चीज़ किमें विक रही किमें नहीं विक रही। सो मैं तो यही लोगों भी बेनती करना कि जो आना है हर चीज़ की इंक्वायरी करके बिल चैक करके वैट की लग रहा की ना नहीं लग रहा उन्होंने चंगी तरह पुष्टि करके फिर बिल पे करो। ये वीर जी साढ़े साडा RPP वाइन ग्रुप अजनाला सर्कल एयरपोर्ट रोड सारे सर्कल का इंचार्ज हाँ मैं। मेरा नाम बलविंदर सिंह बली है। साढ़े GM साहब ने जगदीप सिंह जी सानू कुछ दिनों तो काफ़ी शिकायत आ रही थी इस क्लब हाउस की कि इतने चंडीगढ़ तो हरियाणे का माल सेल परचेज करते हैं
फिर कुछ साडे फ्रेंड राती इतने शनि ते ऐतवार इतने पार्टी चलती है, कुछ साडे फ्रेंड राती इतने क्लब हाउस आए सी, उन्होंने इन्हां कोलों राती ब्लैक लेवल गोल्ड लेवल ते मोंकी शोल्डर दियां बोतलां परचेज करवाईयां सन, जो कि साडे ठेके ते ब्लैक लेवल की बोतल 18,000 की आपां सेल करते हैं, ये 30,000 की सेल कर रहे हैं, तो जो जी ब्लू लैवल अं 4500 की करते हैं, ये 8,000 की सेल कर रहे हैं, तो जो मोंकी शोल्डर 3500 की आप ठेके से सेल करते हैं, ये 9,000 की सेल कर रहे हैं। पहली गल तो ये है कि यह तीनों ही ब्रांड टोटली सारे पंजाब दे विच अवेलेबल नहीं है जी, क्योंकि इन्हों का यह ब्रांडा का लैवल पास नहीं है, किसी भी तुम किसी ठेके से तुम ब्रांड अवेलेबल नहीं मिलेंगे। इस तो यह पता चलता है कि ये जो ब्रांड ने ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੈਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਇਵੈਂਟ ਮੇ ਰਨਰ ਅਪ ਰਹੀ ਮਾਨਿਆ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੇ ਆਈ ਨਿਫਟ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਨੀਲੂ ਗੌਰੀ ਸਹਿਤ ਉਨਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के गांव किशनपुर की मूल निवासी रही मान्या सिंह ने सेंटर के विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि मन में कुछ करने की ठान लो तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। दुनिया में किसी भी मंजिल को पाना असंभव नहीं है, बशर्ते दृढ़ इच्छा शक्ति तथा मजबूत हौसले होने चाहिए। एक छोटे से गांव के ऑटो चालक की बेटी मान्या सिंह ने अपने जीवन में किए संघर्ष को ही अपनी सफलता का सूत्र बताते हुए कहा कि पहले जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर उसे पाने के लिए मजबूती से डगर पकड़नी होगी। बिग बॉस में हिस्सा ले चुकी मान्या सिंह ने स्कूली पढ़ाई के बाद मुंबई में कदम रखा, वहां दिन रात मेहनत कर इस मुकाम पर पहुंची है। इस दौरान सेंटर पहुंचने पर नीलू गौरी डायरेक्टर अमित गौरी ने उनको सम्मानित भी किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम नीलू गौरी है और मैं सेंटर मैनेजर हूँ INFT अमृतसर की, और आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य पूरे दिन है कि आज मान्या हमारे साथ है, और मान्या एक मिस इंडिया तो है ही है, लेकिन इनकी जो अपनी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, ये कहाँ से कहाँ अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, अगर हम इनको सिर्फ एज अ यंग लड़की उस समय देखें तो जो इन्होंने सपना देखा था उसको पूर्ण करने के लिए इन्होंने जो मेहनत की है हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ तक कि जो हमारे को इनको आज देख रहे हैं या इनके बारे में जो पढ़ेंगे न्यूज़पेपर्स में या जो इनके बारे में जानते हैं, उन सबके लिए ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, क्योंकि ऐसे बच्चों को देख के, या माना जाती है तो मेरी अपनी डॉटर है, तो ऐसे बच्चों को देख के ही हमें पता लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को रखना और अपने अंदर एक विश्वास को रखना कि मैं ये कर सकती हूँ। मेरा पहली बार है अमृतसर में और स्पेशली INFT अमृतसर में, आप जैसे मिले हैं नीलू जी से, सर से, दे हैव बीन रियली नाइस टू मी। अभी हम वाघा बॉर्डर जाके आए हैं तो मेरा एक्सपीरियंस एज फार एज बहुत प्यारा रहा है, और लच्छा पराठा तो सुना है सब, बहुत बार हमने मैंने मुंबई में सुना था, UP में भी, कि अमृतसरी खाना बहुत लाजवाब होता है, तो और लोग भी उतने ही मीठे होते हैं, तो जैसे कहते हैं ना जब खाने में मिठास उतनी हो तो लोगों में तो मिठास होगी होगी, तो आई एम रियली ऑनर्ड कि मैं आज यहाँ पे आई हूँ और सबसे मिलने का मौका मिला है, डिज़ाइनिंग स्टूडेंट से मिलने का मौका मिला है जो अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर रहे हैं, और हमारा फ्यूचर भी यही है। अभी फिलहाल जितने भी स्टूडेंट्स मेरे सामने थे, दे आर वेरी काम एंड कम्पोज, एंड सबकी अपनी एक यूनिक स्टाइल है, जहाँ पे मतलब मैं बड़ा ग्लांस लुक लेती हूँ, तो मैं जब आई तो मैंने सबको एक नज़रिए से देख लिया, एक एक इंडिविजुअल के पास अपनी स्टाइल है, अपना नजरिया है, जिस तरीके से वो मुझे देख रहे थे उनका अलग एक एक नजरिया है, इनकी एक सोच है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिजाइनिंग में, क्योंकि यूनिकनेस लाना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली इंडियन कल्चर इतना रिच है, हम बहुत कुछ अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं और इंटरनेशनली लोगों को बता सकते हैं दैट भारत सोने की चिड़िया से कहीं नहीं जाती, ये सोने की चिड़िया है भी। जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी जालंधर की ओर से आर्य समाज मंदिर में मॉडल हाउस जालंधर में विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को कानूनी सेवा अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत किन किन लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं दी जा सकती हैं इस संबंधी जानकारी प्रदान की गई और लोगों को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में भी अवगत करवाया गया। इस मौके पर एडवोकेट ओम गंगोत्रा, एडवोकेट HS संधू, एडवोकेट नरेश शर्मा, एडवोकेट रुपिंदर कौरबल, एडवोकेट
निष्पक्ष सरीन, एडवोकेट साहिल खन्ना, एडवोकेट सतबीर महिपाल, एडवोकेट राजीव रतन, एडवोकेट वरुण मल्होत्रा, एडवोकेट दिनेश जस्सी और एडवोकेट राकेश तनेजा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। जय हिंद जी, मैं एडवोकेट हरमिंदर सिंह संधू, एसोसिएशन ऑफ लायर्स फॉर सोशल जस्टिस जालंधर का प्रेजिडेंट हाँ। अज मैं तो मेरी संस्था, मेरे वकील समान नरेश शर्मा, ओम गंगोत्रा, निष्पक्ष सरीन, सतवीर महिपाल, साहिल खन्ना ते बाकी साथी फ्री लीगल एड प्रोग्राम जालंधर कोर्ट्स के नाल मिल के लेबर डे के आयोजन के एक कैंप मॉडल हाउस आर्या समाज मंदिर आयोजित कर रहे हैं। 11 बजे तो 3 बजे तक लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रोग्राम के बारे दसिया जाएगा तो पैम्फलेट भी वंडे जाएंगे। सो ये सारा कुछ मंदिर कमेटी, ट्रस्टी कमेटी जो गंगोत्रा परिवार है उन्होंने सहयोग में किया जा रहा। सो इस प्रोग्राम अधीन कोई भी व्यक्ति जिसकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए तो घट है तो बाकी होर 3-4 कैटेगरी ने वो आके कचहरी के फ्री लीगल एड सेंटर से जाके अपना केस लड़ने लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। वकील की सारी फीस तो कोर्ट का सारा खर्चा, कागजा वगैरह का खर्चा पंजाब सरकार ते भारत सरकार देती है। ये प्रोग्राम इस वास्ते उलीकिया गया ता कि कोई बंदा सिर्फ पैसों के करके इंसाफ तो महरूम ना रह जाए। सो इस प्रोग्राम का वध तो वध लाभ उठाने लई मेरी सब नू अपील है कि इस प्रोग्राम के बारे सारे गरीब ते लाचार ते लोड़वंद व्यक्तियों नू दसन ते वो आके इस प्रोग्राम का फायदा उठाण। मैं एडवोकेट ओम गंगोत्रा, अज मैं दसना चाहवांगा आम लोगों नू, मेन साडा कैंप लगाने का मेन परपज यही है ताकि लोग जागरूक हो सकन। इत्थे जिहड़े आम इंसान है उन्होंने पता ही नहीं है कि इत्थे लोक अदालत दे विच फ्री केस भी लग जाता या जिन्हें सालाना जिहड़ी तनखाह जिहड़ी हैगी है 3 लाख तो घट है वो उत्थे जाके अपना केस लगा सकते हैं। उत्थे एडिया सेंटर जाके उत्थे फॉर्म भर के उत्थे देना पैंदा, फिर उत्थे वकील कर देंगे, उसकी सारी फीस जिहड़ी हैगी है सरकार वालों दित्ती जाती है तो एडिया सेंटर वालों दित्ती जाती है। असीं इत्थे हर महीने जो लीगल एड का कैंप है ये हर वाली लगाने हैं तो अगों भी लगाते रहेंगे ताकि लोग वो तो जागरूक हो सकन। तो आर एस समाज के साडा मेन परपज यही है ताकि लोग वो तो जागरूक हो। अमृतसर के सवानी ऑटोमोबाइल की मारुति नेक्सा लीडरशिप में 2023 वर्ष की दो नई कारें मारुति जिमनी और मारुति फ्रॉन्क्स लॉन्च की गई। इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ने शमा रोशन कर दोनों कारों का अनावरण कर लॉन्च किया। इस अवसर पर कमिश्नर संदीप ऋषि ने कहा कि यह दोनों गाड़ियां बहुत ही अच्छी हैं और वह आशा करते हैं कि लोग इन्हें जरूर पसंद करेंगे। इस अवसर पर सवानी मोटर के गुरदीप सिंह सवानी और हंसपाल सवानी ने कहा कि इन दोनों कारों की बुकिंग शुरू हो चुकी है और मारुति की लो सर्विस मेंटेनेंस के कारण लोगों द्वारा इन दोनों कारों को काफी पसंद किया जा रहा है, जिससे अब तक इन कारों की बुकिंग 100 से ऊपर हो चुकी है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज सवानी ऑटोमोबाइल्स की जो नेक्सा डीलरशिप है उस डीलरशिप में दो गड्डियां लॉन्च की ने, एक जिमनी नाम की गड्डी है जी जीप टाइप है एक वो लॉन्च हुई है और एक फ्रॉन्क्स नाम की गड्डी है जी है। दोवें गड्डिया जी बड़ी सोहनिया और वधिया फैसिलिटीज नाल लुट हैगी हैं। एक खास तौर पर थार नू कंपीटिशन कंपीट कर ले जी है जिमनी जीप जी आई है और फ्रॉन्क्स जी इन जी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गड्डिया है बलैनो बलैनो तो टॉप बलैनो तो एक लैवल था और जी एस क्रॉस को एक थले जी वो लॉन्च की। दोवें गड्डिया बहुत लेटैसट टेक्नोलॉजी वाली और शेप बहुत सोहनी बनी दोवे की। आस करते हैं कि जी पब्लिक है जो क्लाइंट्स ने वो इन दोवे गड्डियों हंगारा देंगे। मेरा नाम गुरदीप सवानी है जी। असी अज मारुति सुजुकी जिमनी की लॉन्चिंग देखी है। श्री संदीप ऋषि जी IAS कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमृतसर के हथों यह जी गड्डी हमने लॉन्च हुई है तो बड़ा अच्छा रिस्पोंस सानू मिलिया है। दो वेरियंट्स विच मारुति ने पेश की है तो ये नाल एक होर मॉडल भी अज असी अनवील किया है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स वो भी अज इत्थे डिस्प्ले ते हैगी है तो वो भी अज नाल दे नाल लॉन्चिंग हुई है तो इधर आके वो भी दो मॉडल होए ने 1.0 ते 1.2K। मैं चाहना कि इस मौके से कि सानू दोनों मॉडलों का बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से JEE मेंस 2023 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें आकाश इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे लेकर आकाश बायजूस की ओर से टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए एक समागम का
आयोजन भी किया गया, जिसमें जालंधर के सिटी टॉपर सिद्धार्थ मिगलानी के अलावा दिनांक शर्मा और अमृतपाल सिंह को इंस्टीट्यूट की ओर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी अभिषेक महेश्वरी ने इन विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि विद्यार्थियों की मेहनत का नतीजा है और वह इनके अच्छे काम। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम राहुल है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मेन मोटिव है, उन बच्चों को जिन्होंने हमारे जेई मेंस में क्वालिफाई किया और शहर में टॉप किया है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए हमने मीटिंग रखना बुलाई है। ऑल दो आकाश बाजूज में हमारे 300 से ऊपर सेंटर्स हैं, उन सब से लगभग हमारे यहाँ शहरों के टॉपर्स निकले हैं। जैसे हमारे यहाँ यूटी का टॉपर भी हमारा है, पंजाब का टॉपर भी हमारे पास में है और जलंधर सिटी का टॉपर भी हमारे पास में है। तो इन टॉपर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करने का जो मेन मोटिव था, बिकॉज बच्चे ने इतने साल, इतने दिन, इतने समय तक मेहनत की है, उस मेहनत के बाद बच्चे को भी चाहिए होता है कि मुझे कोई रिवॉर्ड करे, मुझे कोई कॉन्ग्रेचुलेट करे उस मेहनत बच्चे, ताकि मोटिवेशन हो। उस मोटिवेशन के लिए आज बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। मेरा नाम दिनांक शर्मा है और मैंने 655 रैंक सिक्योर करी है और मैं पिछले 2 सालों से जेई की तैयारी और ओवरऑल 4 ईयर्स से मैं आकाश के साथ जुड़ा रहा हूँ और आकाश ने और मेरे पेरेंट्स ने मेरा पूरा सपोर्ट किया 24/7। जिस वजह से जो आज मैंने हासिल किया उसका सारा श्रेय मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को ही जाता। मेरा नाम सिद्धार्थ मिगलानी है, मैंने 307 रैंक सिक्योर किया है जेई मेन में। मैं 4 साल से आकाश से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स ही हैं और साथ ही साथ में मेरे टीचर्स, जिन्होंने मेरे साथ पूरी मेहनत की और मुझे ये रैंक हासिल करने में हेल्प। पहली बार तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इन ऑर्डर टू फेलिसिटेट द स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, आकाश इंस्टीट्यूट का, अपने स्कूल का नाम रोशन किया है ऑल अक्रॉस इंडिया, राइट। सो वी हैव सिद्धार्थ मिगलानी हु हैज गॉट 307 एंड हु इज अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर, कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है। वी हैव दिनांक उसके बाद है। सो ये आकाश की जो लेगेसी है वो पिछले, अगर मैं बात करूँ पिछले 35 साल से, इट हैज़ बीन कंसिस्टेंट एंड स्टूडेंट लाइक दीज टू जो हमारे साथ बैठे हुए हैं सिद्धार्थ एंड दिवांग, दे हैव मेड अस प्राउड। सो आज जो हम जहाँ पर खड़े हुए हैं एज ऑल टुगेदर आकाश बायजूस, ओनली बिकॉज ऑफ दी कंसिस्टेंट मेहनत जो ये बच्चे करते हैं। सो वी आर सेटिंग ओवर हियर इन ऑर्डर टू फेलिसिटेट देम एंड आई कंग्रेचुलेट देम, देयर पेरेंट्स, राइट, देयर मेंटर्स एंड ऑल्सो विश देम ऑल द बेस्ट फॉर जेई एडवांस। प्रसिद्ध लेखक गुरजीवन सिंह सेखों की ओर से पेज टर्नर बॉय अवकीरत बुक क्लब के सदस्यों के साथ मुलाकात की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्लब सदस्यों और बुक लवर्स ने शिरकत की। इस दौरान अवकीरत दयाल क्लब फाउंडेशन के नौजवान लेखकों की ओर से कई तरह के सवाल किए गए, जिनका जगजीवन सेखों की ओर से बाखूबी और विस्तार सहित जवाब दिया गया। इस अवसर पर निशांत खन्ना, सुरभि आनंद, गुंजन धीमान, प्रभजोत चाहत जैन के अलावा शहर के बुक लवर्स मौजूद रहे। इस मौके पर सेखों ने बताया कि आपका एक विचार आपकी जिंदगी की दशा और दिशा बदल सकता है। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। मैं मैम ने इनवाइट किया मुझे ये हेड करते हैं बुक क्लब को, सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वो आए, उन्होंने मुझे इनवाइट किया एंड और यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे और काफ़ी अच्छा लगा लोगों से बात करते हुए, उनके सवाल के जवाब देते हुए। और ये बुक जो मैंने लिखी, इसका नाम है सिल्वेट्स ऑफ रेवोल्यूशन। ये और कुछ नहीं पर एक आत्मा की जर्नी है कि कैसे हम बहुत कुछ देखते हैं जिंदगी में, कैसे हम सब कुछ डार्क होता है, सब कुछ होपलेस होता है, फिर धीरे धीरे जब हम अपने आप से या भगवान से जुड़ जाते हैं, पहले हम अपने आप से जुड़ेंगे तभी हमें भगवान प्राप्त होते हैं, तो फिर ज़िंदगी कैसे बदलती है और असली समझ क्या है ज़िंदगी की, वो हमें पता चलता है। तो मैं अवकीरत दयाल हूँ और मैं एक बुक क्लब रन करती हूँ, माय द नेम पेज टर्नर्स बाय अवकीरत, और मैं बुक रीडिंग को प्रमोट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसे हम बचपन में किताबें पढ़ते थे, इंटरनेट उस टाइम पर होता नहीं था, और हम वैसे ही जैसे छोटे होते बुक्स पढ़ते थे, अभी भी हम अपना जो भी हमको फ्री टाइम मिलता है हम बुक्स पढ़ें, नॉलेज अटेन करें। रीडिंग कैन बी इन एनी फॉर्म, नॉट जस्ट बुक्स, इट कैन बी न्यूज़पेपर, इट कैन बी आर्टिकल्स, इट कैन बी मैगजीन्स, बुक्स, एनीथिंग। बट मुझे लगता है इफ़ वी वांट टू ग्रो एज ह्यूमन बीइंग्स वी नीड टू रीड मोर, रीडिंग इज नॉलेजेबल। सो मुझे लगता है कि छोटे से लेके बड़े तक जब भी किसी को भी फ्री टाइम मिले हमको पढ़ना चाहिए और अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए।
दुआबा होम्योपैथिक स्टडी सर्कल की ओर से होम्योपैथिक के संस्था डॉक्टर सैम्यूल हैनीमैन का 268वां जन्मदिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसके चलते जालंधर के एक निजी होटल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लुधियाना के लॉर्ड महावीर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुशील मल्होत्रा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जिनका स्वागत सभी डॉक्टर्स द्वारा। इस मौके पर डॉक्टर बीएस चंदोक, डॉक्टर महेंद्र सिंह गुजराल, डॉक्टर मुक्तिंदर सिंह, डॉक्टर चरणजीत लाल सहित बड़ी संख्या में स्टडी सर्कल के सदस्य मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। दुआबा होम्योपैथिक स्टडी सर्कल, डॉक्टर चरणजीत लाल, ही हैपन टू माई कलीग माई सीनियर इन द कॉलेज व्हेन आई जॉइंड टीचिंग इन 1981 जनवरी, ही वॉज सीनियर टू मी एंड आई लर्नड द पंक्चुअलिटी एंड द डिसिप्लिन इन द टीचिंग फ्रॉम डॉक्टर चरणजीत लाल। And as far as Dr. Mahindru is concerned, I almost know his entire family, rather Mahindru's. I feel honored that I've been called by this Dwaba study circle to visit as a chief guest at the occasion of Hanuman's birthday celebration. पंजाब राज्य फार्मेसी ऑफिसर एसोसिएशन जिला अमृतसर की ओर से गत वर्ष सेवा मुक्त हुए फार्मेसी अधिकारी, सीनियर फार्मेसी अधिकारी और चीफ फार्मेसी अधिकारियों के सम्मान में एक समारोह का आयोजन प्रधान अशोक शर्मा और जनरल सचिव पलविंदर सिंह की अगुवाई में किया गया। इस अवसर पर बाबा शमशेर सिंह कोहरी और प्रधान अशोक शर्मा ने कहा कि वह सेवा मुक्त फार्मेसी अधिकारियों की सेवाओं की भरपूर प्रशंसा करते हैं और पंजाब सरकार से मांग करते हैं कि जो फार्मेसी अधिकारी सरकार द्वारा लगाए गए हैं उनकी योग्यता के अनुसार उनकी तनख्वाह बढ़ा कर दी जाए। इस दौरान उन्होंने सभी फार्मेसी अधिकारियों का इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए आभार जताया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं शमशेर सिंह कोहरी, सरपरस्त पंजाब राज फार्मेसी ऑफिसर एसोसिएशन जिला अमृतसर, प्रधान जी अशोक शर्मा जी और पुरिंदर सिंह धम्मू साडे जनरल सकत्तर जिला कमेटी सारी अमृतसर दी और साडी अमृतसर दी फार्मेसी ऑफिसर एसोसिएशन वालों पिछले समय में जिहड़े साडे कोई चीफ फार्मेसी ऑफिसर, सीनियर फार्मेसी ऑफिसर ते फार्मेसी ऑफिसर सेहत विभाग विचों सेवा मुक्त होए सी, उन्हां सारिआं दा समूह रूप में इत्थे सन्मान जिहड़ा उह अज कीता गया। ये सन्मान जथेबंदी वालों कीता गया, साडी रवायत आ, असीं हर साल ही ये प्रोग्राम करदे हां। इस बार भी साडी जथेबंदी ने, प्रधान जी ने और जनरल सकत्तर जी ने बाकी इन्हां दी कमेटी ने उदम करके वख-वख ब्लाकां विचों वख-वख हस्पतालां विचों सेवा मुक्त होए समुचे फार्मेसी अधिकारियों नूं सन्मानित कीता और ये एक बड़ी चंगी पिरत है, उस पिरत नूं इन्हां ने जारी रख्या। अमृतसर में नवरीत कपूर द्वारा स्थित द लैंग्वेज लैब ने नई दिल्ली स्थित स्टोरी की बोरी के सहयोग से 4 से 9.5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पहली थिएटर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर द लैंग्वेज लैब की नवरीत कपूर ने बताया कि इस कार्यशाला को बच्चों को उनकी रचनात्मकता का पता लगाने, आत्मविश्वास बनाने और सहायक और मजेदार माहौल में अपने अभिनय व कौशल विकसित करने का मौका देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके लिए उन्होंने नई दिल्ली के अनुभवी पेशेवरों के साथ सहयोग लिया है ताकि अमृतसर के बच्चों के लिए रंगमंच और नाटक का प्रदर्शन किया जा सके। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य भविष्य में इस तरह की कार्यशालाओं की एक श्रृंखला को अमृतसर में लाना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम है नवरीत कपूर और मैं अमृतसर में स्टोरी टेलिंग करती हूँ बाय द नेम ऑफ द लैंग्वेज लैब अमृतसर। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम अमृतसर में हमने थिएटर और ड्रामा की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी है बच्चों के लिए फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 4 ईयर्स टिल 9.5 ईयर्स ऑफ एज। एंड इट इज़ हैपनिंग टुडे एट अमृतसर क्लब, जिसमें दिल्ली से, न्यू दिल्ली से स्टोरी की बोरी के ट्रेनर स्पेशली अमृतसर के बच्चों को सिखाने के लिए आए हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम ये बच्चे सीखेंगे कि स्टेज पे एक्टिंग कैसे करनी है, कैसे कॉन्फिडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करना है, कैसे अपने फेस को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को
और अपनी वॉइस को यूज करके एक्टिंग एंड ड्रामा सीखना है। भारत सरकार भारत माला प्रोजेक्ट के तहत भारत में नए एक्सप्रेस वे बना रही है, जिसके चलते आम लोगों का समय बचेगा और उनको देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाने में आसानी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे क्योंकि पंजाब से होते हुए आगे निकल रहा है, वह कई लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है, जिसके चलते पंजाब के मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र के गाँव भुल्लर हैड़ी में इस एक्सप्रेस वे के चलते उस रास्ते में जिन लोगों के घर आए वह धरना देकर बैठे हैं, जिनका कहना है कि कुछ लोगों को तो अच्छे दाम पर मुआवजा मिल गया लेकिन उनके घर का आधा हिस्सा रोड की वजह से कट रहा है, जिस कारण उनका पूरा घर ही बर्बाद हो रहा है और ना ही उनके घरों की असल कीमत का मुआवजा मिल रहा है, जिसको लेकर उन्होंने इस हाईवे के किनारे पक्का मोर्चा लगा रखा है और निर्माण कार्य भी रोक दिया है। वहीं इन लोगों का साथ पंजाब का सबसे बड़ा किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्रह दे रहा है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। जो रोड बन रहा है इसमें साड़ी बिल्डिंग आ रही है तो सानू अद्धी बिल्डिंग की पेमेंट दी जा रही है तो बाकी साडा इत्थे कोई रहन बसेरा है नहीं, चार बच्चे ने छोटे छोटे, तो प्रशासन ने वैसे ये भी मंग की सी कि एक बार तुसी आप खुद जाके मौका देखो, जे थानू लगे भी साड़ी मंग जायज़ आ तो साडा मसला हल कर दिओ, जे थानू लगे भी साड़ी मंग जायज़ नहीं बिल्कुल असं मुड़ के दफ्तर नहीं आवेंगे। असं पूरी बिल्डिंग की पेमेंट मंग रहे हैं जी, भी साडा इत्थे जिहड़ी जगह बाकी रह जूगी, रहन बसेरा सही नहीं है ते हुण सानू जगह भी लेनी पऊ, 20 लाख दी तां जगह ही आऊगी, 2 लाख बोर ते लग जूगा, 22 लाख तां ही हो गया, की करांगे असीं अग्गे। धूरी में मजदूर दिवस नगर कौंसल ग्राउंड में झंडा लहरा कर मनाया गया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के नेता और धूरी मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजवंश सिंह घुल्ली विशेष तौर पर हाजिर हुए और झंडा लहराने की रस्म अदा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हर वर्ग के लिए काम कर रही है और धूरी क्षेत्र मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा इलाका है और यहाँ के लोगों की समस्याएं पहल के आधार पर हल की जाएंगी। धूरी से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। मोहिनी एकादशी के उपलक्ष्य में श्री सत्यनारायण मंदिर अर्बन एस्टेट फेस वन जालंधर में ब्राह्मणों को फलहार करवाया गया और व्रत की कथा के साथ सभी भक्तों ने एकादशी व्रत के महत्व को जाना। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी भी कहते हैं। ये एकादशी मनुष्य को बड़े से बड़े पापों से मुक्त कर भगवान विष्णु की संगति दिलाने वाली एक एकादशी है और व्रत उद्यापन के लिए यह एकादशी बड़ी ही पुण्यदायिनी मानी जाती है। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी और माघ मास शुक्ल एकादशी को एकादशी व्रत का उद्यापन करना श्रेष्ठ माना गया है। इसी के चलते सुशील लांबा और प्रियंका लांबा ने ब्राह्मणों का पूजन किया और दक्षिणा और फल देकर एकादशी व्रत का उद्यापन किया। इस अवसर पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। मोहनी एकादशी के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को फलाहार की व्यवस्था के साथ में आज एकादशी व्रत की कथा का भक्तों ने श्रवण किया और इसी उपलक्ष्य में आज एकादशी के फलाहार की व्यवस्था ब्राह्मणों के लिए की गई है और कल एकादशी का व्रत पारायण द्वादशी को होगा, उसके उपलक्ष्य में ब्राह्मणों का भोजन होगा और इसी संबंध में एकादशी के व्रत के कथा का जो सार है वो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि मोहनी एकादशी मनुष्य को सब प्रकार के मोह पास से मुक्त करने वाली होती है, मनुष्य को मोह माया के पास से मुक्त करके और जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं वो सब पाप जो है इस एकादशी व्रत से नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है, क्योंकि महीनों में सबसे उत्तम मास वैशाख मास माना गया है और सभी एकादशियों में मोहनी एकादशी का विशेष महत्व माना गया है, इसलिए वैशाख मास की मोहनी एकादशी को लोग व्रत उद्यापन के लिए वैशाख मास की शुक्ल पक्ष एकादशी, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी और माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत उद्यापन, एकादशी व्रत उद्यापन का बड़ा ही महत्व माना गया है। जो भी प्रभु भक्त एकादशी का व्रत करते हैं और काफ़ी समय से व्रत कर रहे हैं
उनको एक बार व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। श्री कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय में दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया गया, जिसमें मां महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस दौरान दूर दूर से भक्त आकर मां का पूजन एवं हवन यज्ञ में भाग लेकर कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। इस मौके पर धाम के संस्थापक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने बताया कि हर शनिवार को शाम 6 बजे यज्ञ शुरू होता है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा लेकर यहाँ आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये यज्ञ माँ के आदेश से निःशुल्क किया जाता है। इस मौके पर लंगर का भी आयोजन किया गया है। इस अवसर पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा, रोहित शर्मा, संजय शर्मा, सुमित बिन्नी, ज्योतिषाचार्य गौरव, देशराज शर्मा, गग्गू साहिल, पंडित संजय, पंडित पंकज, पंडित हरिओम, पंडित सुशील सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से डालते हैं। जंडियाला गुरु पुलिस ने कार और ट्रक छीनने वाले एक आरोपी को किया काबू। एक पिस्तौल, 32 बोर 3 रौंद, 32 बोर छीना हुआ ट्रक और छीनी हुई कार की बरामद। अमृतसर पुलिस ने लखबीर सिंह लंडा ग्रुप के 2 सदस्यों को किया काबू। 1,02,000 रुपए की नकदी, 5 मोबाइल फोन और 1 एक्टिवा की बरामद। नाभा में विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने अनोखे ढंग से मनाया मजदूर दिवस। सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर और हार पहनाकर की पूजा। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।